नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल खाओ पियो दिल से। आज मैं फिर से आपके सामने एक बहुत ही अमेजिंग सा रेसिपी लेके हाजिर हो चुकी हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी फिश रसाला। तो आप इस कैसे इजी तरीके से बनाओगे, चलिए वो देख लेते हैं। पे एक पैन में पानी को गर्म कर लिया है, उसमें हम लोग एक मीडियम साइज के प्याज को ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें डाल दूंगी 8 से 10 कली लहसुन के। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 मुट्ठी के करीब काजू और 2 हरी मिर्च। तो ये सब ऐड करने के बाद हम लोग इसको 7 मिनट्स तक बॉईल कर लेंगे। देखिए सब कुछ अच्छे से कुक हो चुका है, तो अभी हम लोग इसका एक पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। फिर मैंने कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है, उसमें मैं फिश ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने रूही फिश लिया है 5 पीसेस, तो मैं सारा रूही फिश को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। गाइस, आपको फिश तभी डालना है जब तेल अच्छे से गर्म हो। तो यहाँ पे मैं एक साइड को पहले फ्राई कर लूंगी। तो एक साइड फिश फ्राई हो जाने के बाद हम लोग इसको टर्न कर देंगे दूसरे साइड, और दूसरे साइड भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फिश दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अभी हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो अभी मैंने वही सेम तेल में जो मैंने यूज किया था, उसी में मैं अपने पहले थोड़ा सा गरम मसाला, फिर 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है। गरम मसाला में मैंने 2 से 3 इलायची, 1 इंच के करीब दालचीनी, और थोड़ा सा मैंने 2 से 3 लौंग यूज़ किया था। फिर मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया है जो मैंने बनाया था, बॉईल किया था प्याज अदरक लहसुन सब कुछ, तो वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। और सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी तेल में अभी, और जो पेस्ट है उसको फ्राई कर लूँगी। तो 3 मिनट बाद हम लोग इसमें 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा और धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, मतलब 1/2 टीस्पून मैंने जीरा यूज़ किया और 1/2 टीस्पून धनिया रोस्टेड। तो सबको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, और सबको अच्छे से मिला लेने के बाद इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। तो आप अपने स्वाद अनुसार, मतलब कश्मीरी लाल मिर्च से बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, सिर्फ वो कलर के लिए हम लोग डालते हैं। तो वो उसको डाल के मैं अभी मिला लूँगी ताकि जो कलर है वो थोड़ा अच्छे से आए। तो जैसे आप लोग देख सकते हो मसाला मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी दही। आप लोग देख सकते हो मसाला से तेल छोड़ दिया है। तो दही डालने के बाद मैं यहाँ पे 50 ग्राम से करीब दही डाली हूँ, तो मैं सबको अच्छे से दही को मिला लूँगी। सबको अच्छे से मिला लेने के बाद अभी हम लोग 2 to 3 मिनट्स और वेट करेंगे, थोड़ा कुक कर लेंगे अभी। देखिए मसाला कुक हो चुका है, तेल भी निकल चुका है मसाले से। तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी फ्राइड फिश, जो फिश को मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। फिर मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप पानी। तो अगर आपको ये थोड़ा थोड़ा ग्रेवी वाला चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हो इसमें। तो पानी डालने के बाद मैं इसमें और 2 ऐसे देखिए मिडिल से बीच से काटी हुई हरी मिर्च डाल दूंगी, और वो डालने के बाद अभी मैं इसको ढक दूंगी। तो देखिए गाइस, 15 मिनट बाद ये जो फिश रसाला है वो बन के तैयार है। इसमें मैं लास्ट में बस 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूंगी, और ऐड करने के बाद सबको अच्छे से मिला लूंगी। आपका फिश रसाला बिल्कुल बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी है। तो इसको मैं गैस फ्लेम को ऑफ करके अभी 15 मिनट के लिए ऐसे ही पोजीशन में रख दूंगी ढक के। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसको एक बार ट्राई करके देखिए ये डिश को, आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी। और ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मेरे चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।